हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ मैं भूल गया हूँ। ओह, बैकग्राउंड लाइट ऑन करना भूल गया हूँ। एक मिनट, अलेक्सा टर्न ऑन बैकग्राउंड। सो ब्लू कलर देख के मुझे इंटेल की याद आ गई। मुझे याद है कि मैंने बहुत साल पहले पीसी बिल्ड किया था अपना, और क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है तो उस समय मतलब मैंने काफ़ी बजट कैटेगरी में अपना पीसी बिल्ड किया था, और आज से 5-10 साल पहले ऑलमोस्ट जो है तब इंटेल का ही ज़माना हुआ करता था। मतलब हर कोई इंटेल के पीसी लेता था, हर कोई इंटेल के लैपटॉप लेता था, और इंटेल का ही पूरा मार्केट में मोनोपोली था। लेकिन आज की डेट में 2020 में ये ज़माना बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि किंग जो है वो AMD वापस से बन चुका है, क्योंकि इंटेल अब कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो इस ब्लू कलर को अब चेंज करते हैं। अलेक्सा टर्न बैकग्राउंड टू ऑरेंज। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि AMD ने लैपटॉप में लगने वाले 4th जनरेशन के प्रोसेसर अपने लॉन्च कर दिए थे कुछ टाइम पहले, और उसी सीरीज में जो है अब इंडिया में भी कुछ लैपटॉप आने लगे हैं जो इस AMD के 4000 सीरीज के प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो जो है कुछ इसी एक लैपटॉप के बारे में है जो कि ASUS ने बनाया है, वो ASUS TUF A15। तो आज हम लोग बात करेंगे ASUS TUF A15 के बारे में, और ये जो मॉडल जिसके बारे में आज डिस्कस करूंगा उसका मॉडल नंबर स्क्रीन पे अभी समय आ रहा है। पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आए वो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे ASUS TUF A15 के बारे में। इसमें कई वेरिएंट आते हैं, तो जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ उसका मॉडल नंबर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। मुझे लगता है इस बार ASUS ने अपने बिल्ड क्वालिटी पे काफी रिवर्क किया है और बहुत अच्छी क्वालिटी पे लैपटॉप को बनाया है। ये लैपटॉप इसमें जो है मिलिट्री ग्रेड की टफनेस लगाई गई है, और इसको बहुत सारे टेस्ट से गुजारा गया है, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट, शेक टेस्ट, और ये हीट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट से भी इसको डाला गया है, और ह्यूमिडिटी भी इसमें टेस्टिंग की गई है। जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं, ASUS क्लेम करता है कि ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट बर्दाश्त कर सकता है, और मिनिमम टेंपरेचर -32 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जा सकता है। और तो और आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो ह्यूमिडिटी से कितना ज्यादा उनके अंदर ट्रबल आ जाता है, वो खराब भी हो सकते हैं। तो ये लैपटॉप जो है ये 95% ह्यूमिडिटी तक भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आगे बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोसेसर के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो है Ryzen 5 4600H प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। ये Ryzen 5 4600 प्रोसेसर जो है इसकी बेसिक क्लॉक स्पीड 3.0 GHz है, और इसको आप टर्बो बूस्ट के साथ 4.0 GHz तक ले जा सकते हैं, और ये 8 MB की कैचे के साथ आता है। इस वीडियो के एंड में मैं इसके सारे बेंचमार्क और बाकी डिटेल भी कंपेयर करूंगा, और इंटेल के प्रोसेसर को किस तरीके से ये प्रोसेसर ऑब्लिटरेट कर देता है, यहाँ तक कि इंटेल के i7 10th जनरेशन के प्रोसेसर से भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की। तो इसमें जो है 1650 NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जो कि 4GB DDR6 VRAM के साथ आता है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको इस ग्राफिक्स के भी इसके परफॉर्मेंस दिखाऊंगा वाया सम गेमिंग बेंचमार्क्स। अब आगे बात करते हैं इसके रैम की। तो इसमें जो है 8GB की DDR4 3200 MHz की रैम लगी हुई है, जो कि काफ़ी फास्ट है। यूजुअली लैपटॉप में जो है आप देखोगे 2666 MHz की लगी होती है या 2900 MHz की लगी होती है, लेकिन इसमें आपको 3200 MHz की 8GB रैम इन बिल्ट मिलती है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत फास्ट है। और इसमें आपको जो है एक्सपेंशन के स्लॉट्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसको इजिली 32GB तक अपग्रेड करके डुअल चैनल रैम बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। तो इसमें जो है कई वेरियंट आते हैं, लेकिन जिस वेरियंट की मैं आज बात कर रहा हूँ वो 512GB NVMe SSD के साथ आता है, जो कि मोर देन इनफ है इस प्राइस ब्रैकेट में। अगर आप 512GB का NVMe इसमें इनबिल्ट है, लेकिन आप इन फ्यूचर जाकर के इसमें 1TB की नॉर्मल 2.5 इंच की ड्राइव भी लगा सकते हैं, इसमें एक आपको एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका डिस्प्ले जो है ये एक 15.6 इंच का LED बैकलिट फुल HD डिस्प्ले है, जो कि 144Hz के साथ आता है। और तो और इसमें आपको एंटी ग्लेयर पैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि IPS बेस्ड है। इसमें आपको 45% NTSC देखने को भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में जैसे कि आपको अडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि NVIDIA की G-Sync टेक्नोलॉजी के साथ भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें आपको NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं।
अब बात करते हैं कुछ अच्छे कनेक्टिविटीज की। तो इसमें जो आपको वाईफाई एसी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा जो कि एकदम करंट जेन पे सपोर्टेड है। और जहां तक बात करें इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा एसुस क्लेम कर रहा है और ये DTS:X ऑडियो के साथ आता है जिसमें अलग अलग आपको ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है मोड्स का, जैसे कि स्ट्रेटजी मोड, RPG मोड और शूटर मोड। तो ये काफ़ी अच्छा जो है फीचर उन्होंने ऐड किया है। अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो इसका कीबोर्ड जो है ये एक RGB कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड है, मतलब इसमें आपको नेम पैड अलग से देखने को मिलेगा और कीबोर्ड अलग से देखने को मिलेगा। और तो और इसकी जो की ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 1.8 mm और इसमें आपको कई सारे जो RGB के इफेक्ट होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्टैटिक इफेक्ट, ब्रीदिंग इफेक्ट, स्ट्रोब इफेक्ट। इस तरीके से आप उसका कलर बिल्कुल चेंज कर सकते हो, अपने कस्टम कलर उसमें आप यूज़ कर सकते हो। आइसोलेटेड एरो की मिलेगी इसमें आपको। और इसमें अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो इसमें स्पेस बार जो है उसकी साइज़ थोड़ी नॉर्मल से बड़ी देखने को मिलेगी, मतलब इसमें एक्सटेंडेड स्पेस बार है। इसका जो ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा है। इसमें ट्रैक पैड में जो आपको क्लिक बटन भी अलग से दिए हुए हैं, मतलब आपको ट्रैक पैड में इनबिल्ट क्लिक बटन नहीं, क्लिक बटन उन्होंने सेपरेट बना दिए हैं। इसमें जो कुछ पोर्ट्स दिए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें एक आपको LAN पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें एक आपको HDMI पोर्ट मिलेगा, इसमें आपको जो है दो USB टाइप ए पोर्ट मिलेंगे जो कि USB 3.2 है, और इसमें आपको एक USB टाइप सी भी पोर्ट देखने को मिलेगा, और आपको उसी तरफ इसमें एक 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ इसमें आपको एक USB टाइप ए, USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा और एक लॉक मिलेगा, कैंसिल लॉक। करते हैं इसके कूलिंग की। तो इसमें जैसे ये बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कूलिंग इन्होंने दे रखी है, डुअल फैन का सपोर्ट दिया है, ये हनीकूम डिज़ाइन पे बेस्ड है, मतलब ये नीचे से जो है एयर को सक करता है और बैक साइड में और जो लेफ्ट एयर को एग्जॉस्ट करता है। इसमें सेल्फ क्लीनिंग भी इन्होंने दे रखी है, लेकिन एक हार्डवेयर अनबॉक्स करके एक चैनल है उसको मैंने देखा था, तो वो ये कह रहा है कि इसका डिज़ाइन में फ्लॉ है और ये बहुत अच्छी तरीके से हीट मैनेजमेंट नहीं करता है। उसके वीडियो को मैंने यहाँ नीचे लिंक कर दिया है। हो सकता है कि इसके डिज़ाइन में कुछ फ्लॉ हो, बट अभी आप इसके बारे में कम्प्लीटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो है उस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरीके से आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आप इसमें विंडोज़ की। तो इसमें आपको विंडोज़ 10 इनबिल्ट मिल जाएगा जो कि प्री इंस्टॉल रहेगा, और आपको MS ऑफिस 2019 प्री इंस्टॉल इसमें मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। जहाँ तक बात करें इसमें वेबकैम की, तो हर लैपटॉप की तरह इसमें भी एक 720p पे वेबकैम लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं इन डेप्थ में प्रोसेसर और ग्राफिक्स की। इंटेल का जो स्टार्टिंग प्रोसेसर जो आता है i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर जो है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इन्होंने अब राइजन 5 को बनाया है और वो एक 6-कोर प्रोसेसर है। तो आप देख सकते हो कि उसको सीधे 2 कोर का एडवांटेज भी मिलता है। और आप आगे बात करते हैं कुछ ऐसे बेंचमार्क की जो इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव करता है। Cinebench R20 की बात करें तो सिंगल कोर पे जो है 447 है इसका स्कोर, और मल्टी कोर पे 3241 है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है इंटेल को, और इंटेल के i9 9980 से भी ये फास्टर है, इंटेल के i7 10750, मतलब इंटेल के i7 के 10th जनरेशन प्रोसेसर से भी इसकी स्पीड फास्ट है। और अब इंटेल के i5 9300H की जहां तक बात करें जिससे ये नेक नेक कॉम्पिटिशन में आता है उससे तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जैसा आप देख सकते हैं इंटेल का i5 9300H जो है ये सिंगल कोर पे जो है 412 है और मल्टी कोर पे 1617 है, जो कि इसका ऑलमोस्ट हाफ है। अब आगे चलते हैं बाकी बेंचमार्क के बारे में बात करते हैं। जैसे कि Cinebench R15 की बात करेंगे तो इसमें आपको सिंगल कोर पे स्कोर जो मिलता है वो है 175 और मल्टी कोर पे जो स्कोर मिलता है वो है 1424। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, जैसे कि आप अगेन देख सकते हैं चार्ट में किस तरीके से जो है i9 के 9880 से i7 के 10875 से और भी अन्य प्रोसेसर से कितना ज्यादा अच्छे तरीके से लीड करा। इनफैक्ट i5 9300H है उससे तो बहुत ज्यादा ह्यूज मार्जिन से उसको बीट आउट कर दे रहा है। अब आगे बात करते हैं हैंड ब्रेक की। तो हैंड ब्रेक की एनकोडिंग जो है वो 41.4 सेकंड में करता है एक 60 मिनट की वीडियो की। अब आगे बात करते हैं ब्लेंडर की। तो ब्लेंडर पे इसकी जो है 5.8 मिनट्स का टाइम है जो कि बहुत अच्छा है। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये बाकी प्रोसेसर से बहुत फास्ट है। अब बात करते हैं पीसी मार्क की। तो पीसी मार्क में इसका स्कोर है 9510। तो ये थे इसके बेंचमार्क स्कोर सीपीयू के। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ ग्राफिक्स स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है एक एनवीडिया का 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जो कि बहुत बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, करंट जेन का ग्राफिक्स कार्ड है। ये ग्राफिक्स जो है आपका 4GB GDDR5 मेमोरी के साथ आता है जिसकी मेमोरी बस 128 बिट है। आइए बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये सारे जो
आपको मैं FPS बताऊंगा, ये फुल HD पे टेस्टेड है और 8GB RAM पे टेस्टेड है। जैसा आप देख सकते हैं Assassin's Creed Odyssey जो है हाई सेटिंग्स पे जो है इसमें 57 FPS पे चलता है। तो अब Apex Legend की बात कर ले तो Apex Legend जो है मीडियम सेटिंग्स पे 75 FPS एवरेज पे चलता है। Hitman की बात करें तो Hitman हाई सेटिंग्स पे 68 FPS पे चलता है। अब Shadow of Tomb Raider की बात करें तो Shadow of Tomb Raider जो है हाई सेटिंग्स पे 75 FPS पे चलता है। Fortnite की बात करें तो Fortnite जो है Epic सेटिंग्स पे मतलब अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे जो है 70 FPS इसमें आपको देता है। और GTA 5 की जहां तक बात करें GTA 5 भी Epic सेटिंग्स पे आपको 68 FPS देता है। तो ये आपको बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। और जहां तक प्राइस की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं Amazon पे ये 63,000 का अवेलेबल है, तो ये थोड़े से ओवर प्राइस मैं मानता हूं, लेकिन जिस प्राइस कैटेगरी में ये आ रहा है उस प्राइस कैटेगरी में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। तो ये था Asus तब A15। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। तो और जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।